दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से सिविल इंजीनियर पैसे कमा सकता है। ओवरऑल आप ही सिविल इंजीनियरिंग क्यों किए हो? पैसे कमाने के लिए। तो इस वीडियो को देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमें पैसे कमाना है तो इतना भी टफ नहीं जितना हमारे माइंड में बन चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस तरीके से पैसे कमा सकता है एक सिविल इंजीनियर, बहुत ही अच्छे वाले पैसे, मीन्स 1-2 लाख रुपए तो आराम से कमा सकता है अगर मेहनत कर दे। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स बिरयानी, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों हमें समझना चाहिए कि अगर हम कहीं पे भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑलरेडी हमको सॉफ्टवेयर आ रहे हैं और फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको जॉब नहीं मिल रही है। या कुछ लोगों को जॉब मिल गई तो 8,000-10,000 रुपए की जॉब मिल रही है और पेरेंट्स का ऐसा प्रेशर रहता है, आपको सबके फैमिली में ऐसा रहता है, हमारी भी फैमिली में, आपकी भी फैमिली में ऐसा रहता है कि हमें जॉब भी करनी है और आमदनी भी अपनी बढ़ानी है। प्रॉब्लम यह होता है कि कंपनियां आमदनी क्या देख रही है, आप भी देख रहे हो, 10-12-15-20 में आपको निपटा दे रही है। ऐसे में आप कैसे अपना खुद का करियर स्टार्ट कर सकते हो, इसको समझने की जरूरत है। दोस्तों आपने सॉफ्टवेयर सीख रखा है, हो सकता है आपने रेविट सीखा हो सकता है आपने ऑटोकैड सीखा हो सकता है आपने ईटैब सीखा हो, लेकिन आप देखो कि आप परफेक्ट किसमें हो। मैक्सिम पॉसिबिलिटीज होगी कि आप या तो ऑटोकैड में या तो रेबिट में, स्टैट प्रो में, किसी एक में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप ढेर सारे पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो। पोर्टफोलियो मैंने पीछे वीडियो में बताया था किस तरीके से बनाते हैं, एक अच्छा सा इफेक्टिव पोर्टफोलियो फोटोशॉप के थ्रू अगर बना सको तो और ज्यादा इफेक्टिव बन सकता है। एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ और पोर्टफोलियो बना के आपका जॉब चल रहा है, पोर्टफोलियो बना के आप उसको ढेर सारे आर्किटेक्ट के पास शेयर कर दो। आर्किटेक्ट पास जैसे शेयर करोगे, अगर आपके पोर्टफोलियो में दम होगा, आप बोलोगे सर दम कैसे आएगा, दम आएगा प्रैक्टिस से। अगर आपके पोर्टफोलियो में दम होगा तो डायरेक्ट आपको कोई ना कोई आर्किटेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेगा, और आर्किटेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करता है तो भी आप किसी न किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, किसी न किसी सिटी से बिलोंग करते होंगे। आप वहां के लोकल एरियाज में थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अच्छे अच्छे घर बनाइए, उसमें अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिए, और आज का टाइम तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का है, उसमें पोस्ट कर दीजिए कि मुझे ये चीजें आती हैं और हमने इस तरीके के घर बनाते हैं। अब होगा क्या कि आपने जो घर बनाया, हो सकता है आपके ही रिलेटिव में किसी को वो घर पसंद आ जाए, और एक घर अगर आपने बना दिया, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप, एक स्टार्ट हो गया, तो समझिए अगर आपने उसमें फुल अपना दम लगा दिया, ये मत सोचो अभी मुझे पैसे सेव करने हैं, पैसे नहीं सेव करने हैं, दम लगा दो उसमें और इतना दम लगाओ कि सामने वाले को पसंद ही आ जाए, और फिर वो क्या होगा, वो सामने वाला 10 लोगों को बताएगा, क्योंकि उसके घर में मैंने पहले बताया था इनॉग्रेशन अगर हो रहा है, सबको बुला रहा है और सब उसके घर को देखेगा, इफेक्टिव घर है तो सब पूछेंगे ना किससे बनवाया है, तो नाम वहां पे आपका आएगा। तो अगर आपने इफेक्टिव घर बना दिया एक, तो आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अपने आप क्लाइंट की लाइन लग जाएगी। आप बोलोगे सर पहला घर कैसे बनाऊं, तो पहले घर के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ सकता है कई लोगों से, खुद से उनसे पूछ सकते हैं आप घर बनवा रहे हो क्या, अगर कोई बनवा रहा है तो बताइएगा प्लीज मैं बनाता हूं घर, हम लोग इस तरीके के घर बनाते हैं। आप सैंपल ढेर सारे डालिए और सोशल मीडिया पे थोड़े से एक्टिव रहिए, क्योंकि आप अपने काम के लिए एक्टिव है ना। जैसे अभी आप देखेंगे मेरा आकाश पांडे का पेज है, मैंने अभी जैसे ही ओपन किया, उसके से एक हफ्ते पहले ओपन किया, डेली उसमें कुछ ना कुछ मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, आपसे रिलेटेड, सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ, उससे लोग एक्टिव हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है इनके पेज पर कुछ ना कुछ नया आता रहता है, लाइक करके रखो। तो इसके साथ हमारा फायदा क्या होगा कि अगर हम ढेर सारे लोगों से जुड़ जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उनको जो हमारे घर पसंद आएंगे, प्रोजेक्ट पसंद आएंगे, तो किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। और अगर आपको पहला क्लाइंट मिल ही नहीं रहा है तो आप नीचे कमेंट करना कि सर मैं बहुत ही अच्छा घर बनाता हूं, फिर भी पहला क्लाइंट नहीं मिल रहा है, आप अपना पोर्टफोलियो देना, मैं आपके पोर्टफोलियो को अपने वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, जिसको भी समझ में आएगा वो देखेगा उसको और कॉन्टेक्ट आपसे करने की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको उसमें लिंक्डइन पे भी काफी हद तक हमारी टीम काम करती है, हम लोग फेसबुक पे भी काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी काम करते हैं, तो अगर आपके पोस्ट सच में अच्छे होंगे डेफिनेटली हम उनको लगा देंगे, और उसमें आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन कर लीजिए, आपकी फ्री मार्केटिंग हो जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं है। और एक बार आपने अगर पार्ट टाइम में काम स्टार्ट कर दिया, बिलीव करिए मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 महीने लगेंगे आपको अपना काम सेटल करने में। अब आप सोच रहे होंगे सर किस तरीके से हम ड्राइंग को अप्रूव करवाएंगे, या हमें स्टैंडर्ड्स नहीं पता है, कुछ लोग जो फ्रेशर होंगे, तो आप क्या करिए, आप सिर्फ बिल्डिंग बाय लॉ को अच्छे से पढ़ लीजिए,
बिल्डिंग बाय लॉ को अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आप प्लानिंग अपने आप बहुत अच्छे से करने लगेंगे। पीछे एक वीडियो में मैंने बिल्डिंग बाय लॉ बताया हुआ है कहाँ से पढ़ सकते हो, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, उसमें पीडीएफ भी है, तो आप जाके पीडीएफ को पूरा पढ़ लो, आपको आइडिया लग जाएगा प्लानिंग किस तरीके से करना है, सेंशन प्लान कैसे बनाना है, वर्किंग प्लान कैसे बनाना है, सब आपको वहां से आइडिया लग जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा किस तरीके से हम वर्किंग ड्राइंग या सेशन प्लान को चलाते हैं या करते हैं, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा उसके अंदर। तो अगर आपने ये पार्ट टाइम में स्टार्ट किया तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा इसको फुल टाइम करने में, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज्यादा अपने रेट को नहीं गिराना है। अगर आप रेट को गिराएंगे तो आप थोड़े से लाइक लोगों को लगेगा, जैसे आपने मान लिया 1000 रुपए में आपने उनको प्लान करके दे दिया, लोगों को क्या लगेगा कि इसने ज्यादा दम नहीं लगाया होगा, इसमें 1000 रुपए में 500 रुपए में तो प्लान दे रखा है तो क्या ज्यादा सोचेगा। बट उसी प्लान का अगर आपने 5000 ले लिया है, 8000 ले लिया है, सामने वाले को लगेगा बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, और लगना भी चाहिए उसको, उसको फील आना चाहिए कि सिविल इंजीनियर से बात कर रहा हूँ, किसी लेबर से बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर अच्छे तरीके से एक बार प्लान बना के हमने एक स्टार्टअप दे दिया, प्रॉब्लम क्या होगी कि आप एक महीने तक ट्राई करोगे, बहुत ट्राई करोगे, एक महीने के बाद क्या होगा, आपका मोटिवेशन तो होता है लो होने लगता है। मेरा भी कभी कभी होने लगता है जब मैं यूट्यूब पे इतने इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ और उनको अगर क्या बोलते हैं ज्यादा व्यूज ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, आप लोग थोड़े बहुत शेयर नहीं करते हो, पीछे बहुत अच्छा शेयर कर रहे हो इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग शेयर नहीं करते तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। बट मैंने कभी भी एक्यूरेसी छोड़ी नहीं। आप देखोगे 4th of July से मैंने स्टार्ट किया इसको, क्या मुझे करना है, और दिसंबर तक में आपने 6000 प्लस आई थिंक नियर अबाउट 7000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके ही रिजल्ट है और इसमें मैंने एक्यूरेसी दिखाई। लगभग लगभग मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो डेली 1 वीडियोस आपके लिए आते हैं और सारे जो वीडियोस होते हैं वैल्यूएबल कंटेंट होते हैं जिसमें आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो अगर आप सिविल इंजीनियर है तो पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ ये जो आपको बता दूं, जो सिविल इंजीनियर का प्रोफेशन होता है ये सेम एज लॉयर होता है, वकील की तरह ये प्रोफेशन होता है। जितना आप एक काम को अच्छा कर देंगे, थोड़ा मार्केट में प्रेजेंस बनाना जरूरी है, इसलिए कोशिश करिए कि आप ढेर सारे घर बनाइए खुद के, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं, खुद के घर बनाइए और उनको पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए बिना पेमेंट के, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पेमेंट कर अपना स्टार्ट कर दीजिए। कई लोग आपके रिलेटिव होंगे, आजकल तो फेसबुक पे सब रहते हैं, रिलेटिव ही होंगे, वाह यार क्या घर बनाया है, कुछ लोग कॉन्टेक्ट करने लगे। मैंने कई लोग बच्चों को देखा है, वो लोग पोस्ट डालते हैं उनके नीचे कमेंट आता है यार मेरा भी एक घर बना दो। अगर वो बोलते हैं मेरा भी एक घर बना दो, आपने उनसे बात किया, वो पैसे नहीं दे रहे, फिर भी आप पहला काम कर दो, पहला काम करने से क्या होगा, आपके क्लाइंट बनने लगेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो रही, क्योंकि आप ऑलरेडी घर बना रहे थे, आपकी प्रैक्टिस हो गई। लेकिन आप दूसरे क्लाइंट के लिए आप पैसे लीजिए उनसे, उसे तो अगर आप अच्छा से घर बना देंगे उनको तो क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो आपको कुछ ना कुछ खुशी होकर देंगे ही देंगे। कुछ लोग होते हैं जो बड़े कंजूस होते हैं, वो नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आपकी मार्केटिंग हो गई। तो इस तरीके से अगर आपने स्टार्ट किया, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के काम भी कर स्टार्ट करना चाहते हो सेम यही प्रोसेस करो, इस तरीके से स्टार्ट किया तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हो। आप एक बार पार्ट टाइम में स्टार्ट करो, इसको फुल टाइम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और प्लस आपको ही पता है कि जब आपका खुद का बिजनेस होगा तो आप धीरे धीरे, एक बहुत ही अच्छा मेरा एक स्टूडेंट है सहदेव पाटिल, उसने स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद 6 से 8 महीने में उसने ऐसा ग्रो किया कि वो खुद का कंस्ट्रक्शन ऑफिस खोल रखा है। और मैं उसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा काम वो कर रहा है। तो उसने खुद का काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसका ग्रोनअप होने लगा और अभी उसके एरिया में जहाँ पे भी वो घर बना रहा है वो पूरे तरीके से वहाँ पे फैल चुका है और काफी लोग उसे कॉन्टेक्ट करने लगे हैं। और अब वो खुद से लेबर रख सकता है, खुद से इंजीनियर रख सकता है। अगर वो कहीं पे काम करता रहता तो उसका एक ग्रोनअप की एक लिमिट होती, वहाँ पे वो लिमिट उसकी बंद हो जाती। तो मुझे लगता है आपको एक पार्ट टाइम काम स्टार्ट करना चाहिए। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा आपका, इसी का पार्ट टू है एक तरीके से, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या चार्ज करना चाहिए, और खुद का काम स्ट्रक्चर का स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या चीजों की ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको बेसिक रेट नहीं पता है कि क्या रेट लेना चाहिए आर्किटेक्चर, जैसे मैं अभी ये घर ये वीडियो बना रहा हूँ आपको घर बनाने के लिए, तो बेसिक रेट अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 6 रुपीज स्क्वायर फीट आप मॉडलिंग का चार्ज कर सकते हैं और 3 रुपीज स्क्वायर फीट आप प्लानिंग का चार्ज कर सकते हो। 6 और 3 कितना हो गया 9, और अगर आपसे दोनों कंटेंट साथ में वो ले रहा है सामने वाला तो आप उसको 8 रुपीज में या 7 रुपीज में मिनिमम कर सकते हो, उसको दे सकते हो प्लानिंग। और क्योंकि आपने अगर प्लानिंग कर रखी हो तो मॉडलिंग करना बड़ा आसान हो जाता है, तो ज्यादा टाइम तो आपको लग नहीं रहा है, तो आप 7 रुपीज में भी दोनों को अगर दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपका जो काम है
उसको ऐसा करेगा कि वैसा काम कोई ना कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई और कर पाया तो ऑफकोर्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसके पास चला जाएगा। तो आप 100% अपना दे दीजिए एक प्रोजेक्ट में और आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करिए। धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्रो होते 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 आप देखोगे बहुत आगे लेवल पर चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर फेसबुक से भी नहीं मिल रहा है, तो आप सैटरडे आपके पास टाइम होता है, आप एक मुश्किल से 100-200 रुपए का विजिटिंग कार्ड बनवाइए और सैटरडे को पोर्टफोलियो के साथ ढेर सारे आर्किटेक्ट के पास कॉन्टेक्ट करो। आज के टाइम में जस्ट डायल पे आप जा सकते हो और ढेर सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहां से आप आर्किटेक्ट के नंबर ले सकते हो, डायरेक्ट उनसे जाइए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए। पहले मेल कर दीजिए उनको कि सर आई वॉन्ट टू मीट विथ यू, ऐसे ऐसा करके एक कवर लेटर के साथ मीटिंग के अरेंज करवा लीजिए। और अगर आपने अब देखो इसमें क्या होगा कि 100 लोगों को आपने किया मेल, तो उसमें से आप ये पॉसिबिलिटीज रखिए कि केवल 10 लोग आपको रिप्लाई करने वाले हैं, और 10 लोगों से अगर आप मिले तो उसमें से शायद एक ही केवल आपसे काम देने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 लोगों से मीटिंग अरेंज करने में आपका मैक्सिमम टाइम जाएगा तो 1 महीना जाएगा, और 1 महीना आपका प्रैक्टिस में जाएगा, बट उसके बाद आपका काम तो स्टार्ट हो रहा है। आप जो 10,000 की जॉब कर रहे हो, चाहे साइट पे कर रहे हो चाहे जहां पे कर रहे हो, तो आप उस प्रॉब्लम से तो आप बाहर निकल सकते हो ना। तो अगर आप साइट पे कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो आप मुझे पर्सनली गाइड कर मिल लेना हो, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर जरूरी है तो मैं आपसे पर्सनली मिल लूंगा। और आपके कोई छोटे मोटे डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे करो, मैं आपको रिप्लाई करते रहता हूँ, जो लोग कॉन्टेक्ट में मेरे हैं उनको पता है, तो मैं आपको रिप्लाई करके आपको सजेस्ट कर दूंगा किस तरीके से आप कर सकते हो। और आप अपनी थोड़ी सी आज़ादी जो होती है ना, भी थोड़ा सा फ्रीडम के साथ काम करना, थोड़ा सा अच्छे से काम कर पाओगे और आपका फायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे काम करना इसमें स्टार्ट कर दीजिए, और आप छोटे से काम से हो सकता है कल को अपार्टमेंट मिल जाए आपको, कल को अपार्टमेंट के बाद आपको कॉमर्शियल बिल्डिंग मिल जाए, और धीरे धीरे आप शायद आपकी खुद की कंपनी खोल सकती है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप तो हमें बता रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिमाग में आ सकता है। हाँ जी, मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो दूसरा है, मतलब जो मुझे हॉबी है मेरी वो दूसरी है, तो मैं वो काम कर रहा हूँ, बट साथ ही साथ मैं ये भी करता हूँ, क्योंकि आपको सबको पैसे की ज़रूरत है, तो मैं भी ये करता हूँ। मेरे को स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर और मतलब प्लानिंग, आप इसके अगर आपने प्रोजेक्ट ले लिया, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे करना, तो आप मेरे से कंसल्टेंट कर लीजिए, चार्जेबल होगा, फ्री भी नहीं होगा, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आपको प्रोजेक्ट करना है, उसमें कोई डाउट आ रहा है वो मैं आपको करके दे देता हूँ। और आप एस्टिमेशन का भी प्रोजेक्ट ले सकते हो, चाहे टेक्ला पे ले सकते हो, चाहे रेविट पे ले सकते हो, ईटैप पे ले सकते हो, आर्चिकैड पे ले सकते हो, जो भी प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं आप पहले मार्केटिंग करिए। आपको हो सकता है आपने घर बनाया बहुत अच्छे से, सामने वाले ने बोला एस्टिमेशन मुझे करके दो, तुम्हें एस्टिमेशन नहीं आता, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो और मैं आपको एस्टिमेशन करके भी दे दूंगा उसका। तो इस तरीके से अगर बॉन्डिंग करके काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी एक दूसरे को ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई है ऐसे जो लोग मतलब कि ये काम कर रहे हैं और उनको ग्रो नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बताइएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना पूरा डिटेल दीजिएगा, मैं आपको यूट्यूब के थ्रू और फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लगभग फिर भी 20-25,000 लोग हैं जो हमारे कनेक्ट में हैं, लगभग लिंक्डइन पे 6-7,000 लोग हैं, फेसबुक पे हैं 4-5,000 लोग, और इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग हैं और ट्विटर पे भी है, तो मैं आपके काम को भी प्रमोट कर सकता हूँ अगर आप अच्छा कर रहे हो तो, क्योंकि आप पहले मैं आपका पोर्टफोलियो देखूंगा, अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिला तब मैं आपको प्रमोट करूंगा, तो आपको भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कभी कभी करते हो, आपको भी शायद डिजिटल मार्केटिंग का ज़्यादा आइडिया ना हो तो आप प्रमोशन नहीं ले पा रहे हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर लेना, जरूर हम आपको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो। और इस तरीके से हम लोग अपने आप को अच्छे से एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, और धीरे धीरे आप बता सकते हो कि दिस इज माई कंपनी, और मुझे भी आप कॉल करके बोलोगे सर आपने प्रमोट किया था और अभी मेरी खुद की कंपनी है, मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है जब कई बच्चों ने अपनी अपनी खुद की कंपनी खोल रखी है, बहुत लोगों ने खोली है। तो अगर देखो क्या खुद का है तो उसमें अगर आपने 2-3 प्रोजेक्ट भी लिए ना, अगर 1 महीने में आपका इनफ हो जाता है, पर्याप्त अमाउंट आपको मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो जाता है। तो आप बताइएगा मुझे, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि अपवर्क पे या दूसरे जो नेटवर्किंग साइट्स हैं, मतलब freelancing.com है और अलग अलग है, उस पर प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं, आप मुझे बताना कि अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बिडिंग करते हो, किस तरीके से प्रोजेक्ट लेते हैं। मैंने भी अभी सीखा है, लगभग 6-7 महीने हुए मुझे सीखे हुए, तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा किस तरीके से बिडिंग करते हैं, और आप नीचे कमेंट बॉक्स बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला, थोड़ा अमाउंट भी आपके लाइफ में वैल्यूएबल जनरेट हुआ, तो उसको लाइक करना यार, और प्लीज शेयर करो, जितना शेयर करोगे मैं उतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। हम लोग दिन भर स्टडी करते हैं, मेरी खुद की जो मेरी हॉबी एक्चुअली वो पढ़ना है, तो मैं हमेशा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ।
जो मैं आपसे सीखता हूँ, मीन्स कुछ मैं यूट्यूब से सीखता हूँ, कुछ मेरे पास बुक्स हैं अलग अलग, मैंने अभी कुछ कंपनीज के अलग अलग कंटेंट खरीदा है, उनको भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ता हूँ वही मैं आपको शेयर करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। आपके पास भी कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो कि जिसका मैं वीडियो रिप्रेजेंट करूँ, जैसे कि एक लड़के ने मुझे बोला था अभी, तो ऐसा कुछ है कि जो पढ़ के मैं आपको आप तक शेयर करूँ, मीन्स ज़्यादा लोगों तक साझा करूँ, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके पास है तो मुझे मेल कर देना akash.pandey476@gmail.com पे, तो हम लोग इसको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, मेल कर दीजिए, उसको भी मैं पढ़ के आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा लोगों तक एक्सप्लोर हो जाएगा। और कोई अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो भी नीचे कॉन्टेक्ट कर लेना, थोड़ा बहुत जो हमसे हेल्प हो पाएगा डेफिनेटली हम करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।